सभी श्याम प्रेमी भक्तों को जय श्री श्याम। कैसे आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, बसंत पंचमी और बागा से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। कोई भी प्रेमी वीडियो छोड़कर ना जाए। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, बिल्कुल शॉर्ट में बताएंगे। जैसा कि सभी प्रेमियों को 5 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम का बागा चाहिए, उसके लिए सभी प्रेमी लगातार इस कोशिश में हैं कि श्रीधाम खाटू के लिए बुकिंग हो जाए, बुकिंग हो जाए। कुछ प्रेमी विदाउट बुकिंग ही धाम को प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे हैं। हम ये बात आपको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमारे पास फोन आए हैं कि हमने ट्रेन की टिकट करवा ली, ट्रेन की टिकट करवा ली। हमने जब उनसे पूछा कि क्या आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया, बोले वो क्या होता है, वो कैसे होता है। अभी तक उन्हें यही नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन के बगैर वहां दर्शन नहीं होंगे। देखिए, इस समय जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, इस समय वीडियो के दौरान ही हमें पता चला है कि बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है, बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है खाटू धाम की। हम आपको ये बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे हैं कि आप खाटू धाम में जाइए, जाइए आप। अगर आपका मन है तो जाइए आप, हम मना नहीं करेंगे आपको। लेकिन जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा या फिर बुकिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको लाइन में ही नहीं घुसने दिया जाएगा। लाइन में ही नहीं लगोगे तो अंदर कैसे जाओगे? जब तक अंदर नहीं जाओगे, बागा नहीं मिलेगा। सभी प्रेमी इस बात के लिए विशेष 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 ध्यान दें कि बागा केवल मंदिर में ही मिलेगा, अन्यथा तो नहीं मिलेगा। उसके लिए आप क्या करें? सबसे पहले तो नेट की सहायता से अपने आसपास देखें कोई श्याम मंदिर है क्या, वहां से आपको बागा मिल जाएगा। नहीं है तो हरियाणा के पानीपत के चुलकाना धाम में, जहां बाबा ने शीश का ध्यान दिया था, वहां मिल जाएगा। हरियाणा के हिसार के बीर बबरान धाम में आपको बागा मिल जाएगा। हरियाणा के हिसार के गांव शहड़वा में आपको बाबा श्याम का बागा मिल जाएगा। इन तीनों की लाइव लोकेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, आप लोकेशन के अनुसार जा सकते हो। दो धाम हिसार में है, एक धाम पानीपत में है, ये तीन हमने बता दिए हैं। अन्यथा और भी हजारों धाम है बाबा के, हमने सिर्फ अपने आसपास के धाम बताए हैं, आप यहां आ सकते हैं, बागा मिल जाएगा। अब बात यह आती है कि बागा किस समय मिलेगा। देखिए, वैसे तो बागा को सुबह सुबह उतारा जाता है 4 बजे, लेकिन हर मंदिर का एक अलग नियम होता है। बागा मिलेगा आपको सूर्योदय के बाद, पहले नहीं मिलेगा। सूर्योदय के बाद हवन आदि किया जाता है, उसके बाद बागा दिया जाता है। तो आप कोशिश यही रखें कि आप हर हाल में 5 फरवरी बसंत पंचमी के दिन 9 बजे के आसपास मंदिर परिसर में पहुंच जाएं। 9 बजे के आसपास पहुंच जाओगे तो आपको बागा मिलेगा, बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे। कोई प्रेमी ये ना सोचे कि हमें थोड़ा सा बड़ा मिल जाए या हम किसी और का भी ले जाएं, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल छोटा छोटा, क्योंकि सारा ही 1.25 मीटर का होता है और हजारों क्या लाखों प्रेमियों तक उसे पहुंचाना होता है। तो कोई भी प्रेमी ज्यादा की जिद ना करे, उम्मीद ना करे, जो आपको मिला है वो काफी है। उसमें श्रद्धा भाव के साथ उसे ग्रहण करे। कैसे ग्रहण करना है इसके लिए हमने वीडियो बनाई हुई है, इस वीडियो के एंड स्क्रीन के रूप में आपको मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री श्याम।